Deacon ji, welcome to everyone to the second year physics class. पिछले लेक्चर में जो कि हमारा फिजिकल प्रेजेंस के साथ था, हमने एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो है वो उसके बारे में पढ़ा था और हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द बिटवीन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरी. और जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि जो सॉलिड्स हैं, एक आइसोलेटेड एटम जो है उसके गिर्द, उसके अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. लेकिन जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर यही एटम्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो जब भी आपके पास एटम्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं और आपको मालूम है कि एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बने हैं और उनके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. सो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इंटरेक्शन है, कोलम्बिक इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं तमाम एटम्स के वो स्प्लिट होते हैं और ये एनर्जी लेवल्स की रेंज जो है, इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होता है. तो दे कंप्लीट अ रेंज ऑफ एनर्जीज जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं. अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी बैंड के अंदर तब आएगा जब उसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी उस बैंड में रहने के लिए. और फिर हमने कहा कि डिफरेंट तरह के बैंड्स हैं. फॉर एग्जांपल एक कंडक्शन बैंड है, एक आपके पास वैलेंस बैंड है. कंडक्शन बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अवेलेबल फॉर द करंट, फॉर द पैसेज ऑफ द करंट, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. और वैलेंस बैंड जो है इलेक्ट्रॉन्स वो आपके पास बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस, दे आर इन द आउटर मोस्ट शेल एंड दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस. सो आपके पास इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक गैप होता है जिसको आप क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. और जिसकी बुनियाद पे आप बताते हैं कि आपके पास जो मटेरियल है वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है या एक सेमीकंडक्टर है. अच्छा, हमने ये भी बात की कि अच्छा जो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो गैप है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होता है और दे आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद ईच अदर, जैसा कि यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप. सो दीज आर मटीरियल आर नोन एज द कंडक्टर्स, जबकि इंसुलेटर्स के दरमियान वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक ह्यूज गैप होता है, एनर्जी गैप होता है. वैलेंस बैंड जो है वो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होता है जबकि कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते. सो अगर कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है तो आपके पास कंडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. देन वी टॉक्ड अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, के सेमीकंडक्टर्स जो है वो पार्शली कंडक्टर थे हैं या यूं भी कह सकते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर्स. और उनके अंदर जो एनर्जी बैंड थ्योरी हमें बताती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर एक नैरो गैप जो है, एक तंग, एक बहुत छोटा सा गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है, एनर्जी गैप. अच्छा, अब डिपेंड करता है कि उस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या है. अगर आप बहुत लो टेम्परेचर पे हैं, फॉर एग्जाम्पल बिलो 70 केल्विन और 50 केल्विन और 0 केल्विन, तो आपके पास जो कंडक्शन बैंड है वो एक सेमीकंडक्टर का कम्प्लीटली एम्प्टी होता है बिकॉज देर इज नॉट इनफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है वो राइज करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ एनर्जी जो है आ जाती है जिसकी वजह से दे कुड जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. सो एज दे जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड दे आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन. सो दैट्स व्हाई द सेमीकंडक्टर्स हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास कम होती चली जाती है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सेमीकंडक्टर्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव दियर कंडक्शन. हम उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे टेलर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इन द प्योरेस्ट फॉर्म अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स क्या हैं, जो फोर्थ ग्रुप है आपके पास प्रोडक्ट टेबल का, दे बिलोंग टू दिस फोर्थ ग्रुप, सेमीकंडक्टर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. और उसमें उस ग्रुप के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम आर वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट यूज्ड सेमीकंडक्टर्स इन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. अच्छा, अब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है,
या आपके पास जर्मीनियम का क्रिस्टल है, वो आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है कहलाते हैं। और अगर कोई प्योर से मुराद ये है कि अगर आपके पास इस सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, सो दे विल नॉट बी कॉल्ड द इंट्रिंसिक, रादर दे विल बी नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, कुछ जगहों पे ये जो इम्प्योरिटी है ये आप खुद अपनी मर्जी से ऐड करते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकें, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सकें, कंडक्शन को इन्हांस कर सकें। अब द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी, दिस इज नोन एज द डोपिंग। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, कोई स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ऐड करते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, और यूं समझ लें कि अगर 1,00,000 एटम है आपके पास सिलिकॉन या जर्मीनियम के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, तो उसके अंदर जो डोपिंग एटम की तादाद होगी, जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे होंगे, वो 1 एटम होगी। सो 1,00,000 के मुकाबले में आप 1 एटम जो है वो इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पे इस फिगर 17.9 के अंदर एक सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखाया गया है। सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेगुलर पैटर्न के अंदर मौजूद है। सॉलिड के अंदर तमाम सिलिकॉन एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न जो है वो उसको फॉलो करते हैं, एक तरतीब से मौजूद है उस पूरे सॉलिड के अंदर। और सिलिकॉन के पास चूंकि फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए अपने शेल को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहने के लिए क्या करना है जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको चाहिए। सो बेसिकली सिलिकॉन अपने साथ वाले एटम के साथ, जिसके पास खुद के पास भी क्या कहते हैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये क्या कहते हैं अपने एटम्स को शेयर करना स्टार्ट करते हैं, और शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज नोन एज दिस generates the covalent bonds between the silicon atoms. So हर silicon के पास 4 electrons हैं जी, ये center वाला silicon है, इसके गिर्द 4 silicons मौजूद हैं, और हर एक जो है वो अपना एक एक electron जो है वो share कर रहा है, जिससे center वाले silicon का जो orbit है वो क्या कहते हैं जो octave rule है वो आपके पास मुकम्मल होता जा रहा है। अब depend करता है कि आप जो impurity add कर रहे हैं वो किस group से add कर रहे हैं। अगर आप किसी पेंटावेलेंट यानी कि जो कि 5th ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, उससे अगर आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो आपके पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर आप 3rd ग्रुप से क्या कहते हैं ऐड करते हैं तो आपके पास एक ई टाइप जो है वो क्या कहते हैं मटेरियल बनेगा। अच्छा, अब अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर के अंदर जो सेंट्रल प्लेस सिलिकॉन की थी वहां पे आपने एक फास्फोरस का एटम जो है वो प्लेस कर दिया। अब चूंकि 5th ग्रुप से फास्फोरस बिलोंग करता है, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द गिर्द सिलिकॉन से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेसिव है और वो बच जाता है, वो दिस बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो एज यू एड द इम्प्योरिटी, कंडक्शन के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से जो आपके पास जो मटेरियल बनते हैं जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको आप एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑन अ सिमिलर नोट, अगर आप क्या कहते हैं 3rd ग्रुप से ऐड करें सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर एक एटम एल्यूमिनियम का या बोरॉन का या गैलियम और रेडियम का, तो 3rd ग्रुप से बिलोंग करने की वजह से इसके पास 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन है इस एल्यूमिनियम के पास, जो कि सेंटर स्टेज पे पड़ा है, और इर्द गिर्द इसके 4 सिलिकॉन जो है वो मौजूद है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस एल्यूमिनियम के, दे विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज सिलिकॉन्स, लेकिन यू आर लेफ्ट विद द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहां पे एक कमी रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी जिस जिसको आप क्या कहते हैं नाम देते हैं होल का। सो अब आपके पास क्या है जी कि ये होल जो है विच इज नोन एज द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है जी कि जिनके ऐसे सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनके अंदर आपने 3rd ग्रुप से एल्यूमिनियम बोरॉन या गैलियम और ये से क्या कहते हैं डोपिंग की है, तो इसके नतीजे में जो बनने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर नोन एज द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास होल्स होते हैं विच आर नोन एज द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस केस के अंदर जो एल्यूमिनियम है ये एक एक्सेप्टर एटम कहलाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है जी। और अगर हम एन टाइप के अंदर क्या कहते हैं बात करें तो एन टाइप के अंदर जो फिफ्थ ग्रुप से एलिमेंट आपने इम्प्योरिटी ऐड की थी वो आपके पास एक डोनर एलिमेंट कहलाता है बिकॉज इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन जो कि अवेलेबल होता है आपके पास कंडक्शन के लिए। अच्छा, नाउ हाउ डज दिस चेंजेस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है जो कि जर्मेनियम या सिलिकॉन की है। यहाँ पे जो ये पॉजिटिव सर्कल, ये जो सर्कल्स हैं दीज डिनोट द कोर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स, और इनके इर्द गिर्द जो ब्लू सर्कल्स हैं दे डिनोट द इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब रूम टेम्परेचर के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, रूम टेम्परेचर विच इज अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन, इस टेम्परेचर के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दें, और जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो आपके पास क्या होता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ सो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, एक डेफिशिएंसी जो है वो आपके पास क्या कहते हैं क्रिएट हो जाएगी, जिसको आपने होल का नाम दिया। और जब भी आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो क्या कहते हैं जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और एक आपके वहां पर उसकी जगह पे आपके पास एक वैकेंसी बच जाएगी जिसको आप होल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल का जो पैदा होना है, जो जन्म लेना है, ये आपके पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहलाता है। अब ये दोनों जो कैरियर्स हैं विच आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, अब इसके लिए हम फर्ज करते हैं कि आपके पास एक सिलिकॉन एटम्स की एक रो है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, कि आपके पास ये रो जो है वो क्या कहते हैं दिखाई गई है ए बी सी डी से, जिनको क्या कहते हैं तीन चार डिफरेंट फिगर्स के अंदर क्या कहते हैं ये डिनोट की गई है। अब जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक होल, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है जो कि आपके पास क्या कहते हैं होल को डिनोट कर रहा है, और ये ब्लू डॉट्स जो हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या रहा है जी कि यहाँ पर होल जनरेट हो गया और यहाँ पे क्या है डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, सो व्हाट विल हैपन के इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए जो नेबरिंग एटम मौजूद होगा सिलिकॉन का उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं जंप करेगा टुवर्ड्स दिस साइड ए, इससे क्या कहते हैं जंप करेगा ए साइड पे। जब ए साइड्स पे क्या कहते हैं बी से एटम, बी एटम से इलेक्ट्रॉन गया है तो इसके पास या इसके खुद के पास क्या कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी, और ये जो डेफिशिएंसी जो कि एटम ए के ऊपर मौजूद है ये क्या कहते हैं फिल हो जाएगी। अब ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता रहता है कि आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके होल को कवर अप कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम से, और होल जो है उस जगह पे क्रिएट हो रहा है जहां से एटम जो है वो माइग्रेट कर रहा है, जहां से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बी से इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करके गया तो ए जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया बी फिगर के अंदर, और बी के ऊपर क्या कहते हैं एक होल जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपीयर होगी। सिमिलरली नेबरिंग एटम फिर से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से सी से जंप करेगा बी की तरफ, और बी के ऊपर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जबकि जो होल है वो आपके पास सी के ऊपर चला जाएगा। अब अगर आप गौर करें इस पूरी पिक्चर के ऊपर तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या कहते हैं होल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है जी। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। सो हम ये भी इससे कह सकते हैं कि एक मूविंग होल जो है वो इज इक्विवेलेंट टू अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, होल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दिस इज द रीजन वी आर सेइंग के एक होल का इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि होल के ऊपर जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक केस जो है ये हमने स्पेशल केस कंसिडर किया है जिसके अंदर सिलिकॉन एटम जो है वो
एक रो के अंदर मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहा है और फिर सी से बी की तरफ और फिर डी से सी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन और होल्स की, ये आपके पास कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये रेंडम होती है, इट इज नॉट नेसेसरली हैव टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। सो किसी भी नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है उस वेकेंट पोजीशन के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। सो द पॉइंट इज, द टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन इज के सेमीकंडक्टर्स के अंदर देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स, वन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द अदर वन इज द होल। और जब आप किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी सेमीकंडक्टर के साथ, तो उस सेमीकंडक्टर के अंदर, उस सेमीकंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डायरेक्ट करती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं, जबकि होल जो है दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो करंट है इस पूरे सर्किट के अंदर, जिसके अंदर आपने एक बैटरी लगाई है सेमीकंडक्टर के साथ, द करंट इज कैरिड बाय द कंबाइंड करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू के हमने क्या बात की है। हमने कहा जी आपके पास एक प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, और द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी जो है दिस इज नोन एज द डोपिंग। और ये जो डोपिंग है ये आपके पास क्या कहते हैं, मुख्तलिफ चैनल से हो सकती है, मुख्तलिफ ग्रुप से आप डोपिंग कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि किस ग्रुप से आप क्या कहते हैं डोपिंग कर रहे हैं, ये आपके पास क्या कहते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की So, if you add a pentavalent impurity to the intrinsic semiconductor, the resulting structure would be a p-type semiconductor. N-type semiconductor. Or, अगर आप क्या कहते हैं trivalent element add करते हैं, which is the aluminium, boron, or gallium or indium, तो आपके पास एक p-type semiconductor generate होता है. P-type के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर होल्स, जबकि एन टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बुनियादी तौर पे इसी तरह से समझा जा सकता है कि एक क्रिस्टल प्योर सिलिकॉन या आपके पास जो जर्मेनियम है उसकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स बने हैं। सिलिकॉन ने अपने नेबरिंग तमाम एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स जो है बनाए हैं, और अपना एट का ऑक्टेट रूल जो है उसको मुकम्मल किया है, या ऑर्बिट जो है वो अपना मुकम्मल कर लिया है 8 इलेक्ट्रॉन से। अब डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर इन कोवलेंट बॉन्ड्स, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोशन या उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे। जैसे ही वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा वहां पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, वो डेफिशिएंसी जो है दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। और इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए एक नेबरिंग एटम जो है वो इस होल की जगह पे आएगा, जैसे ही वो होल की जगह पे आएगा तो होल विल मूव टुवर्ड्स द बी एटम, जो नेबरिंग एटम है उसके ऊपर क्या कहते हैं वो होल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन क्या कहते हैं, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है होल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वी कैन से के होल इज बेसिकली मिमिकिंग मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। और एक सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब आप किसी बैटरी को अटैच करते हैं, बैटरी को अटैच करने की वजह से होल जो है वो दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव इन द positive terminal of the battery, so they are moving in the opposite direction. But the net current through the semiconductor would be the combined current due to these electrons and holes. So this sums up our discussion about the semiconductors. We will be talking more about this these semiconductors in the next chapter. Now we need to move on to the magnetic properties of solid. Okay. So we know that the magnetic field produced by a bar magnet or by a solenoid
or moving charges, the magnetic field, the shape of the magnetic field is very similar to each other. The magnetic field lines are similar of a long bar magnet and a solenoid. And we, in the period of Ampere, he inquired, he suggested that the magnetic effects are due to the circulating currents or moving charges. At that time, nobody knows about the structure of the atom, so this idea was lost in the pages of the history. But since the discovery of the atom, the structure of the atom, this idea has been reinvigorated, and it is found that the idea presented by Ampere was quite right. Okay, so how does this magnetism is produced? Basically, there are materials which are magnetic and there are materials which are not magnetic. So the magnetism is basically produced by electrons in an atom due to the two types of motion. One is the motion of the electrons which are orbiting around the nucleus, and they behave like a tiny magnet. They form a loop and they form a tiny magnet which has a north pole and a south pole, and it generates a small magnetic field. So additionally, electron is just not orbiting around the nucleus, but it is also has a quantum quantity or quantum number associated with it, which is the spin of the electron. And let me clarify this, that this spin is not actually the spin of the electron about its axis. Spin is a purely quantum concept, a quantum mechanics ka concept hai, jisko kya kehte hain, jiska classical world ke andar koi analog jo hai wo maujood nahi hai. So due to the orbital motion and the spin motion of the electrons, aapke paas kya kehte hain, magnetism jo hai wo generate ho sakti hai. Ab ye ek nucleus ke gird bahut sare atoms jo hai wo aapke paas revolve kar rahe hain, orbit kar rahe hain, aur har atom ke har so bahut sare electrons jo hai wo orbit kar rahe hain, aur har electron ke paas orbital motion possess karta hai har electron, aur uske sath sath uske paas spin bhi hai. अब मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर ये जो स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो आपके पास एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है, दे टेंड टू अलाइन विद ईच अदर इन सम मटेरियल्स एंड दे टेंड टू कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट्स इन अदर मटीरियल. सो जिन मटीरियल्स के अंदर आपके पास ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो आपके पास स्पिन की वजह से जो मैग्नेट बन रहा है इलेक्ट्रॉन, या ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट बना हुआ है, ये दोनों मैग्नेट्स की डायरेक्शन, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की डायरेक्शन अगर क्या कहते हैं, एक तरह से एक दूसरे को तकवीयत बख्शती है, तो आपके पास क्या कहते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो आपके पास जनरेट होता है. यानी कि वो मटीरियल जो है वो आपके पास क्या करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले करेगा. लेकिन कुछ मटेरियल्स के अंदर ये जो स्पिन ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जो है, दे टेंड टू कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट. उन मटेरियल्स के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिज्म है वो नहीं पाया जाएगा, वो मटेरियल जो है वो आपके पास मैग्नेटाइज नहीं होगा, दे विल नॉट बिकम अ परमानेंट मैग्नेट. अब आपके पास दो जनरल केसेस जो है वो अराइज होते हैं. एक पहला केस जिसके अंदर ऑर्बिट और स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम के अंदर अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक एटम टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है. ऐसे एटम्स को या ऐसे एटम से जो मिलके आपके पास एक सब्सटेंस बनता है, उनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है. दूसरे टाइप के मटेरियल्स के अंदर आपके पास अगर कोई रिजल्टेंट, यानी कि दोनों स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपके पास जो नेट रिजल्ट है वो क्या कहते हैं, जीरो है, और दे आर कैंसलिंग ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे मटेरियल्स को डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है, जिनके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. और इनकी मिसाल जो है वो आपके पास वाटर, कॉपर और बिस्मिथ जो है वो क्या कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल है. और पैरामैग्नेटिक मटीरियल की एग्जाम्पल जो है वो आपके पास
diatomic molecule of oxygen, this is an example of a paramagnetic material. अच्छा, ये दो केसेस तो बहुत क्या कहते हैं सिंपलेस्ट केसेस हैं, लेकिन देर आर ऑल्सो सम सॉलिड्स जिनके अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल वो मटीरियल क्रोमियम डाइऑक्साइड, निकल, आयरन, कोबाल्ट, स्कैंडिनेवियम, जिनके अंदर आपके पास एटम इस तरह से कोऑपरेट करते हैं कि दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. और ऐसे मटेरियल्स जो जिनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है एंड दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नोन एज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दे हैव इमेंस पोटेंशियल इन द एप्लीकेशंस सच एज मैग्नेटिक मेमोरीज जो आपकी बनती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो हार्ड डिस्क है आपकी वो मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है. उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर्स के कोर हैं, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर सर्टन रीजन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिनके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिवाइड होता है ताकि वो अपनी जो एनर्जी है, जो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी है, उसको क्या कहते हैं लो कर सके. सो इक्विलिब्रियम एक कॉन्फ़िगरेशन, इक्विलिब्रियम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेता है. वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको आप क्या कहते हैं डोमेन्स कहते हैं, और ये डोमेन्स जो है इनका साइज मिलीमीटर या इससे भी क्या कहते हैं कम होता है. और हर डोमेन के अंदर मिनिमम 10^12 से लेकर 10^16 एटम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं. अब इन डोमेन्स की खासियत ये है कि इनके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या कहते हैं अलाइन करती है. जब एक ही डायरेक्शन में वो क्या कहते हैं अलाइन करती है तो आपके पास क्या कहते हैं वो एक डोमेन जो है एक नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिस्प्ले करती है. अच्छा, ये एक फिगर जो है अगर आप राइट साइड पे 17.16 देखें तो इसके अंदर ये जो एरोज हैं दीज आर बेसिकली डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन ईच डोमेन. हर डोमेन के अंदर जो ये मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है, ये जो मैग्नेट बन गया हुआ है, ये इसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास ये है. लेकिन अगर आप गौर करें तो ये तमाम डायरेक्शन रैंडम है. ये तब है जब आपने क्या कहते हैं कोई फेरोमैग्नेट को आपने मैग्नेटाइज नहीं किया, ये अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेट है जिसके अंदर तमाम डोमेन जो है वो एक रैंडम डायरेक्शन में ऑरिएंटेड है. और नेट इफेक्ट क्या होगा इसका कि आपके पास नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होगी जीरो होगी. लेकिन जैसे ही आप क्या कहते हैं कोई एक स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जो कि एक सॉलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है या एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, उसके अंदर अगर इस मटेरियल को रखते हैं तो आपके पास होगा क्या कि ये तमाम डोमेन दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि ये जो रैंडम डायरेक्शन है इनकी ये खत्म हो जाएंगी और तमाम डोमेन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगी. जब ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगी तो आपके पास मटेरियल के पास क्या आ जाएगी नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो आ जाएगी और वो एक मैग्नेट जो है एक पावरफुल मैग्नेट जो है वो क्या कहते हैं बन जाएगा. अब जो मैग्नेट्स हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ दे आर बेसिकली टू कैटेगरीज. एक को आप सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, एक को हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो हैं जो कि थोड़ी सी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि तमाम डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं बाय अप्लाइंग अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर यू हैव टू अप्लाई लार्ज फील्ड्स, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड्स इन ऑर्डर टू अलाइन ऑल द डोमेन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल जो है वो आपके पास आयरन है, निकल फेराइट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल. जबकि हार्ड के अंदर आपके पास एल्यूमिनियम निकल का जो अलॉय होता है वो एक हार्ड मटेरियल, या कोबाल्ट जो है वो, या कोबाल्ट के अलॉयज जो है वो आपके पास सर्टन अलॉयज जो है वो आपके पास क्या कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को शो करते हैं, हार्ड मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो क्या कहते हैं डिस्प्ले करते हैं. अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये जो मैग्नेटिज्म है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. किसी मटेरियल का पैरामैग्नेटिक होना या फेरोमैग्नेटिक होना इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई करते चले जाएं तो आपके पास क्या कहते हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अल्टीमेटली
एक फेज ट्रांजिशन से गुजरता है और उस फेज ट्रांजिशन के बाद वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, यानी कि आप बेसिकली ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर आप निकल की बात करें तो निकल का टेम्परेचर जो है जिसके ऊपर वो एक फेरोमैग्नेटिक स्टेट से पैरामैग्नेटिक स्टेट की तरफ जाता है वो 628 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस टेम्परेचर पे निकल है इट गोज थ्रू अ फेज ट्रांजिशन, और ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक के अंदर ट्रांजिशन करता है। और ये जो टेम्परेचर है दिस नोन टेम्परेचर इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर, जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हो जाता है। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। वन ऑफ देम इज के व्हाट हैपेंस इफ यू प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड अ सोलेनाइड, और उस सोलेनाइड में से एक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या कहते हैं पास कर रहा है। वो अल्टरनेटिंग करंट आपको मालूम है, अल्टरनेटिंग करंट की एक पॉजिटिव पीक होती है, एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल पे करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू है, और नेगेटिव साइड पे जो करंट की वैल्यू है वो भी आपके पास नेगेटिव साइड पे पीक वैल्यू है। यानी कि एक पूरे साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। एक पूरे साइकिल के अंदर करंट अपनी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो क्या कहते हैं नेगेटिव पीक के तरफ भी जाएगा। अब अगर आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया है इसी तरह से एक सोलेनाइड के अंदर, इसको जिसके अंदर से अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है इट आल्सो गोज थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। अगर आप इस ग्राफ को देखें जो कि 17.18 फिगर के अंदर है, ये एक ऑसिलोस्कोप के अंदर बना हुआ क्या कहते हैं ग्राफ जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर जब आपके पास ये इस पॉइंट पे होगा आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है, और नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ द करंट पे आपके पास क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन इस पॉइंट पे होगी। सो यू बेसिकली गोज फ्रॉम वन पीक वैल्यू ऑफ द करंट टू द अनदर पीक वैल्यू विद द अपोजिट साइन, और आपके पास ये जो इस तरह की एक कर्व जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ट्रेस आउट होगी। नाउ दिस होल कर्व इज बेसिकली नोन एज द हिस्टेरेसिस। नाउ वी नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस हिस्टेरेसिस कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इससे हमें क्या चीजें जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, क्या चीजें समझ सकते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स के बारे में। अगर आप गौर करें तो ये जो फिगर है, ये फिगर जिसको अंदर हिस्टेरेसिस लूप ऑफ स्टील जो है वो डिनोट किया गया है, आप ओ से स्टार्ट करते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस आपके पास करंट है और अलोंग द वाई एक्सिस आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है नहीं, आप करंट बढ़ा रहे हैं आपके पास क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज कर रही है, यानी कि मटेरियल जो है वो आपके पास मैग्नेटाइज हो रहा है, और ए पॉइंट पे पहुंच के मटेरियल जो है वो क्या कहते हैं फुली मैग्नेटाइज हो गया है। यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास ओ ए जो है वो डिनोट कर रहा है। अब आप अगर करंट को रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो आप कम करना शुरू करते हैं, तो दोबारा आप करंट की वैल्यू जीरो पे करते हैं। अगर आप जीरो पे करते हैं तो आप देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो नहीं हुई, बल्कि क्या कहते हैं वो इस आर पॉइंट के ऊपर क्या कहते हैं मौजूद है। ये जो ए पॉइंट है इट डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसको आप यूं कह सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन जो कि मटेरियल अटेन कर सकता है, दिस इज नोन एज द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। इसको सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। फिर जब आप करंट जीरो करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल की आपके पास जीरो नहीं हुई, वो इस आर पॉइंट जो है इस आर पॉइंट डिनोट कर रहा है कि मटेरियल इज स्टिल मैग्नेटाइज। इवन द करंट इज जीरो, करंट थ्रू द सोलेनाइड इज जीरो, द मटेरियल इज स्टिल मैग्नेटाइज। ठीक है जी, ये जो आपके पास क्या कहते हैं रेमनेंट जो मैग्नेटाइजेशन बच गई है व्हेन द करंट बिकम जीरो, दिस इज नोन एज द रेमनेंस और रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। कि करंट को जीरो करने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मैग्नेटाइजेशन कितनी मौजूद है अभी मटेरियल के अंदर। फिर
आप क्या करते हैं जी, इस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए आपको जो फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि सी पॉइंट जिससे डिनोट कर रहे हैं, सी पॉइंट, आप सी पॉइंट जो है वो आपके पास करंट को डिनोट कर रहा है, इतना करंट आपको पास करवाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में कि ये जो रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन थी ये आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सो इसको कहते हैं कि आपके पास दिस इज नोन एज द पर्मिटिविटी, ठीक है जी। यानी कि आप डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं उस मटेरियल को, पहले आपने मैग्नेटाइज किया इन द पॉजिटिव साइकिल, अब नेगेटिव साइकिल के अंदर आप मटेरियल को डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और ये जो टोटल एरिया ऑफ द लूप है, इट टेल्स यू अबाउट द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है जी। और दिस इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स, ठीक है जी। डोमेन्स जब मूव करती हैं तो आपके पास क्या कहते हैं, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है, उसके अगेंस्ट वर्क डन आप कर रहे हैं। दिस द एरिया ऑफ दिस लूप बेसिकली डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर वर्क डन। और इसके साथ साथ जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स है जैसे स्टील है, दे कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज, और उनका एरिया जो है, एरिया ऑफ लूप जो है वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट मैग्नेट्स, इनका एरिया ऑफ लूप है वो आपके पास स्मॉल होता है। अब सो इस बात से, इस एरिया से हम क्या कहते हैं, ये बात बता सकते हैं कि जो एनर्जी डिसिपेटेड है पर साइकिल फॉर आयरन इज लेस देन फॉर द स्टील। सो स्टील के लिए आपको ज्यादा वर्क डन जो है वो चाहिए, जबकि आयरन के लिए आपको वर्क डन जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास कम है। सो दीज आर ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। और द टेक अवे फ्रॉम दिस इज के आपके पास सॉलिड्स जो है वो एटम्स से मिलके बनते हैं, एटम्स जो है वो न्यूक्लियस, और जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट करता है या मूव करता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और जब भी करंट होगा आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट कर रहा है एक न्यूक्लियस के गिर्द, वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, जिसको आप मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। मैग्नेटिक डायपोल से मुराद उसका एक नॉर्थ पोल है, एक क्या कहते हैं साउथ पोल है। सो एडिशनली इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी होती है, उस स्पिन की वजह से भी क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन जो है, इन दोनों की वजह से जो आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो या तो मैक्सिमम हो सकती है या आपके पास क्या कहते हैं मिनिमम हो सकती है। यानी कि ये स्पिन एक्सिस और जो ऑर्बिटल मोशन है ये दोनों इस तरह से ओरिएंटेड है कि दे टेंड टू सपोर्ट ईच अदर और दे टेंड टू कैंसिल ईच अदर। जहां पे वो सपोर्ट करते हैं तो एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, ऐसे मटीरियल्स को पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स कहा जाता है। और जहां पे वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वहां पर आपके पास दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, और उन मटीरियल्स को आप डायमैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। लेकिन देयर आर पर्टिकुलर क्लास ऑफ मटीरियल्स जो कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, उन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स के अंदर दे बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पर क्या कहते हैं बिहेव करते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हैं निकल, कोबाल्ट, आयरन और स्टील या एल्यूमिनियम निकल के अलॉयज जो हैं वो आपके पास मौजूद है। फिर आप क्या कहते हैं इस ऐसे मटेरियल्स को आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हो सकता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। एग्जांपल दी मैंने आयरन का जो टेम्परेचर है वो 1043 केल्विन है, जबकि निकल का 628 केल्विन है। सो दीज आर द मटेरियल्स जो के इन टेम्परेचर्स के ऊपर क्या कहते हैं फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होंगे, फेज ट्रांजिशन होगी इनकी, और इन टेम्परेचर्स को क्या कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर्स कहा जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर जी, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन।